नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी आपके साथ। गुरुवार, इसका सीधा सा मतलब है कल से रीवा शहर 5 दिनों के लिए लॉकडाउन। गुरुवार को कोरोना के लेकर अगर बात की जाए तो दिन भर तो स्थिति ठीक थी। दिन भर लगभग 7 से 8 पेशेंट ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें एक ऐसा भी पेशेंट था जो बाजार में भुट्टे बेचा करता था। भुट्टे बेचने वाले, और एक चौंकाने वाली बात है कि भुट्टे उससे बहुत सारे लोगों ने खरीदा है और उनकी लिस्टिंग कर पाना काफ़ी मुश्किल काम है। प्रशासन इसके लिए जहां काफ़ी मशक्कत कर रहा है उससे जुड़े हुए लोगों को खोजने की, वहीं शाम ढलते ढलते रीवा के लिए एक बुरी खबर आई। जी हाँ, बुरी खबर इसलिए कहा जाएगा कि पिछले दिनों सिरमौर चौराहे के पास एक मेडिकल स्टोर में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाया गया था। उसकी मौत हो गई थी। निश्चित रूप से उसको एक दुखद हादसा था। उसके बाद उनके अंतिम संस्कार में जो लोग भी शामिल हुए, उनके घर में संवेदना प्रकट करने आए थे, सबको क्वारंटाइन किया गया था, सबके सैंपल लिए गए थे। देर शाम 18 लोगों को पीटीएस के पास चिराउला में बने क्वारंटाइन सेंटर में ले जाके क्वारंटाइन किया गया। इसका सीधा सा अर्थ है गुरुवार देर शाम रीवा के लिए एक बार फिर से 30 के आसपास पेशेंटों की जानकारी लेके आ रहा। हालांकि इन आंकड़ों को अभी अंतिम तौर पर नहीं कहा जा सकता। जैसे ही अंतिम आंकड़े आप तक खबर पहुंचेगी, ये आंकड़े एक बार फिर से बदल चुके होंगे। रीवा शहर की अगर बात की जाए तो एक ही परिवार में काफ़ी पेशेंट मिले हैं। जैसा कि मैंने अभी एक उदाहरण आपको बताया, 2 दिन पहले आपको बताया था रीवा के रानी तालाब के पास एक घर में 13 से ज़्यादा लोग पेशेंट पाए गए थे। माफ़ करिएगा, रानी तालाब में पेशेंट कम थे, वहीं फोर्ट रोड में एक ही परिवार में 13 लोग पेशेंट पाए गए थे। उसके बाद सुरसा, यहीं पास में एक गांव है, वहां भी 7 लोग पेशेंट मिले। हालांकि उस परिवार के तार रीवा में आनंदपुर से भी जुड़े थे। अगर बात की जाए दोनों को मिला दिया जाए तो 12 से 13। इसका मेरा कहने का सीधा सा अर्थ है इस समय रीवा में कोरोना पेशेंट बहुतायत में पाए जा रहे हैं और एक ही परिवार से जुड़े हुए लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम अपने दर्शकों से बार बार अपील करते हैं, अपना और अपने परिवार के लोगों का भरपूर ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अगर आज तक के आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग रीवा में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या ट्रिपल सेंचुरी को क्रॉस करके लगभग 330 के आसपास आ गई है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ ये आंकड़े अंतिम नहीं है। वहीं एक्टिव पेशेंट भी दोहरे शतक के आसपास ठहरे हुए हैं। 3 लोगों की मौत भी हुई है। चौंकाने वाले पहलू, जो अभी तक रीवा में इक्का दुक्का ही पेशेंट पाए जा रहे थे, आज उन पेशेंटों की संख्या 25 से 30 हो गई है। पर डे इतने ही पेशेंट पाए जा रहे हैं। हालांकि शासन ने 2 बड़े त्यौहार बकरीद और राखी को देखते हुए 5 दिनों का लॉकडाउन किया है। आज लॉकडाउन का अंतिम दिन था। जिस तरीके से बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ रही थी, उससे लगा नहीं कि लॉकडाउन का कोई मतलब भी आगे निकलेगा। जिस तरीके से लोग बाजार में इकट्ठा थे, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की वहाँ कोई भी चीज़ नहीं थी। अगर कल्पना करिए, ऐसे में अगर कोई संक्रमित मरीज बाजार में आया होगा तो क्या होगा, ये आगे आने वाले समय में ही तय होगा। हालांकि क्वारंटाइन क्षेत्र में उल्लंघन करके कुछ लोग अपनी दुकान भी खोलने आए थे, पुलिस ने इन पर भी कार्रवाई की है, उन पर भी किस मुकदमा दर्ज किया गया है। मैं आपको इससे जुड़ी हुई, कोरोना से जुड़ी हुई लगातार एक एक छोटी छोटी जानकारी निकट भविष्य में भी देता रहूँगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान जावेद अंसारी को इजाज़त दीजिए। मैं आपको बताऊँ, ये जानकारी आप तक समीम सौदागर के द्वारा ही पहुँच रही है। एक बार फिर से आपसे अपील है, घर पर रहिए, दोनों त्योहारों को घर पर
सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाइए। आज के तारीख में आपके पास मोबाइल है, टीवी है, इंटरनेट है, उनका सहायता लीजिए, उनके माध्यम से अपने और अपने लोगों से जुड़िए। निश्चित रूप से एक अदृश्य पेशेंट से, अदृश्य शक्ति से, यही कहा जा सकता कोरोना को लेके, अदृश्य शक्ति, उससे लड़ने का एकमात्र उपाय केवल और केवल यही है, सोशल डिस्टेंसिंग। घर से निकलने के पहले मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, अपना और अपने से जुड़े हुए लोगों का भरपूर ख्याल करिए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।